सिविल लाइन थाने में शराब कारोबारी सुभाष शर्मा के खिलाफ ठगी का एक और नया मामला सामने आया है। मामले में पंडरी स्थित एक्सिस बैंक की ओर से 37 करोड़ की ठगी के आवेदन पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सुभाष शर्मा ने बैंक से होटल सफायर इन के नाम पर 10 करोड़ रुपए की राशि मियादी ऋण पर ली, लेकिन होटल सफायर की लीज धर्मेंद्र कुमार नामक शख्स के पास है। सुभाष शर्मा और उनकी पत्नी श्रीमती सुमन शर्मा के खिलाफ एक आवेदन एक्सिस बैंक के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट अरूप कुमार राय ने थाना सिविल लाइन में दिया था, जिसकी जांच की गई। जांच में यह पाया गया कि उनके द्वारा 10 करोड़ रुपए का होटल सफायर इन को निर्माण हेतु मियादी ऋण लिया गया था। उसी के निर्माण के पश्चात उन्होंने उक्त होटल के संचालन के लिए 2 करोड़ रुपए ओवरड्राफ्ट लोन लिया, जिसे उन्होंने पटाया नहीं। और सरफेसी एक्ट के तहत जब कार्रवाई हुई तो जिलाधीश महोदय के समक्ष उन्होंने ये कथन किया और ऐसा शपथ पत्र दिया है कि उक्त होटल इन्होंने 7 साल के लिए धर्मेंद्र कुमार सिंह को लीज पे दे दिया है। और जबकि एक्सिस बैंक से उन्होंने लोन लिया था, लोन लेते समय उन्होंने शपथ पत्र दिया था कि उक्त होटल किसी के पास गहन रहन या गिरवी या किराए पर नहीं है। तो दोनों चीज़ों में उन्होंने झूठा शपथ पत्र दे के किया, जो अपराध धारा 420 के अंतर्गत आया, अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। अभी गारंटर के तौर पर उनकी पत्नी एवं सुभाष शर्मा के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध, आगे विवेचना में जो भी धाराएं और जो भी और एक्यूस्ट आते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।